ये बहुत ही कुरकुरे और क्रंची बने हैं। ये जल्दी से बस 10 मिनट बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बनाने में हमने इस्तेमाल किया है आलू, ब्रेड और बस कुछ स्पाइसेस। बच्चे हो या बड़े, सबको पसंद आते हैं ये आलू कटलेट। बर्थडे पार्टी हो या फिर घर में कोई फंक्शन हो, इनको एज अ पार्टी स्टार्टर स्नैक्स बनाइए और सभी मेहमानों का दिल जीत लीजिए। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कटलेट, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे, ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो की अपलोड आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे हम 4 व्हाइट ब्रेड्स। ये नॉर्मल साइज की हैं जो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं। 1/4 कप चॉप्ड अनियंस, 3 ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, अबाउट 1 इंच चॉप्ड जिंजर, 2 बॉइल्ड पटाटो। आलू को बॉइल करके उसकी स्किन रिमूव कर दी है। उसके बाद लेंगे हम राइस फ्लावर 1 टेबलस्पून और बेसन 1/4 कप। ये हुए हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब बनाते हैं कटलेट्स। उसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। उसके बाद लेंगे हम एक बड़ा बाउल और उसमें डाल लेंगे हम अपने उबले हुए आलू और इनको हम मैश कर लेंगे। इनको आप हाथों से मैश कर सकते हैं, फॉक से मैश कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये मैशर है तो इससे भी आलूओं को मैश कर सकते हैं। आलू हमारे मैश हो गए हैं। आलू के मैश होते ही डालेंगे हम इसमें हमारे चॉप्ड अनियंस। और चॉप्ड ग्रीन चिली, उसके बाद बढ़िया टेस्ट लाने के लिए चॉप्ड जिंजर और धनिया। यहां मैंने लिया है बिल्कुल ताजा खिला खिला धनिया। अब डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और फिर राइस फ्लावर। उसके बाद डालेंगे हम बेसन, जिससे आएगा बढ़िया स्वाद। इन सब के बाद डाल लेते हैं हम अपनी ब्रेड, जिसको हमने पीसेस में तोड़ लिया है, और इस मिक्सचर को हम हाथों से मिला लेंगे। राइस फ्लोर से बनेंगे हमारे कटलेट क्रिस्पी और बेसन से इनमें आएगी अच्छी बाइंडिंग। डो जैसी शेप हमारे मिक्सचर की बन गई है। क्यों है ना दोस्तों, ये मिक्सचर बनाना कितना सिंपल, और जितना ये सिंपल है उतना ही ये टेस्टी और चटपटा बनता है। अब हम लेंगे अपने हाथों में थोड़ा सा घी और बनाएंगे अपने कटलेट। उसके लिए थोड़े से पोर्शन को हाथ में लेकर रोल रोल करेंगे हल्के हाथों से, और जब उसकी बॉल बन जाएगी तो हथेली में दबा के उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और फिर फिंगर के टिप के कॉर्नर से प्लेन कर देंगे। सिंपल। इस तरीके से बन गया है हमारा एक कटलेट। उसी तरीके से हम अपने बाकी के कटलेट्स को भी बना लेंगे। इन कटलेट्स के मिक्सचर में आप कॉर्न, शिमला मिर्च या फिर अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं और इनका टेस्ट एनहांस कर सकते हैं। हमारे आलू मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक आई है और क्रंच के लिए जो राइस फ्लावर डाला है वो तो जादू कर देगा। तो दोस्तों, सिर्फ 2 मीडियम साइज आलू से बनके तैयार हुए हैं हमारे 9 आलू कटलेट्स। पैन में डालेंगे घी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और घी जब गर्म हो जाएगा तो उसमें फ्राई कर लेंगे हम अपने चटपटे कटलेट्स। एक बार में हम 3 से 4 कटलेट्स को फ्राई कर रहे हैं। फ्लेम को लो मीडियम पे रखना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। जब ये एक साइड से ब्राउन होने लग जाएं, तो इनको दूसरी साइड फ्लिप कर दें, ताकि ये हर तरफ से बढ़िया क्रिस्पी फ्राई हो जाएं। वाह, देख के मुंह में पानी आ रहा है। क्या बढ़िया कलर आया है इनका। क्या आपको भी कटलेट्स पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कटलेट्स हमारे बहुत बढ़िया कुरकुरे फ्राई हो गए हैं, हर तरफ से ब्राउन हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे अपने पैन से और उनको ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में। देखने में लग रहे हैं ना क्रंची एंड क्रिस्पी। अब उसी तरह से हम अपने बाकी के कटलेट्स को भी लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे।
दोस्तों क्योंकि ये स्नैक बनानी है बहुत ही इजी, तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे कटलेट्स बनाने का ट्राई जरूर करना। ये देखो हमारे अगले बैच के कटलेट्स कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हर तरफ से बढ़िया सिक गए हैं, क्योंकि हमने इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है तो ये बिल्कुल अंदर तक पक गए हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। मैं आपको ये पास से दिखाती हूँ, आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब दिखाती हूं मैं आपको इनकी क्रंचीनेस, ये देखो। वाह, अपने लिए और उससे भी ज्यादा आप लोगों के लिए ये बनाकर तो मुझे मजा आ गया। तो मेहमान आने से पहले आप ये बना के रख लें और फ्रीजर में स्टोर कर लें, और उनके आते ही इनको तेल में फ्राई करके गरम गरम सर्व करें। मेरा बहुत मन है कि मैं आपको एक कटलेट कट करके जरूर दिखाऊं। ये देखो क्या क्रंच है, और आलू मिक्सचर की कंसिस्टेंसी तो बढ़िया है ही। तो आप भी इन्हें जल्दी से घर पे बनाएं और इनका मजा लें। आलू कटलेट हमारे बनके तैयार हैं, चलो इनको टेस्ट करते हैं कि ये बने कैसे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो जब भी आप आलू कटलेट बनाएं आप उनको रेफर कर सकते हैं। और अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आशमास किचन। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें और उन्हें खूब प्यार करें।